तरकता बरकता गर्मा गर्म 25 फैक्ट्स आपके सामने पेश है। फैक्ट नंबर 25, सिंगापुर में एक 64 साल के आदमी एक दिन हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर को बताने लगे कि मेरे टंग में पेन हो रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट किया और देखा कि इस आदमी के तो जीभ यानी टंग में टेस्ट वेस्ट ही नहीं है, उसका जीभ एकदम स्मूथ और एकदम शाइनी है। इस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल आप लोग देख सकते हो। फैक्ट नंबर 24, थाईलैंड में एक आदमी अपने प्रॉमिस को निभाने के चलते हुए उसके गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया उसके डेथ के बाद, क्योंकि इस आदमी ने उसके गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था उसके जिंदा रहने के टाइम पर कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा। तो उसके प्रॉमिस को निभाने के चलते हुए उसने अपने जेफ के साथ शादी कर लिया उसके मरने के बाद। फैक्ट नंबर 23, इस तस्वीर को देखिए, ये जापान का एक कार पार्किंग का पिक है। आप लोग देख सकते हो कैसे प्रॉपरली यहाँ पर कार को पार्क किया गया है, एकदम प्रॉपरली यहाँ पर कार को सुंदर तरीके से पार्क किया गया है। इन कार्स को निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फैक्ट नंबर 22, जापान में बुलेट ट्रेन जो होते हैं वो कितना तेज चलते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। जापान में जो बुलेट ट्रेन चलते हैं वो कितना स्मूथ चलते हैं क्या आपको ये पता है? इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देख के आपको पता चलेगा कि ट्रेन कितना स्मूथ चलता है। इस इमेज को आप लोग देख के पता लगा सकते हो ट्रेन कितना स्मूथ चल रहा है, क्योंकि ये कॉइन एकदम स्टेबल है। फैक्ट नंबर 21, इस इमेज को देखिए, नहीं नहीं ये कोई मछली का टैंक नहीं है, ये असल में जापान का ड्रेन है। ड्रेन आप देख सकते हो यहाँ का पानी कितना साफ है जिसके वजह से यहाँ मछली भी तैर रहे हैं। फैक्ट नंबर 20, शर्ट्स में तो आप लोगों ने इस तरह का लूप होल देखा ही होगा, क्या आपको मालूम है इसका यूज़ क्या है? असल में ये ईस्ट कोस्ट सेलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वो इनको हैंगर्स के बिना रख पाए। बाद में 1960 में US ने ऑक्सफोर्ड बटन डाउन शर्ट्स बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। फैक्ट नंबर 19, जो स्नेल्स होता है वो 3 साल तक सो सकते हैं। हाँ, इनको अपने लिविंग के लिए नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर मौसम ऐसा हो कि उसमें नमी ना हो तो स्नेल्स हाइबरनेशन जो कि सर्दियों में होता है या स्टिवेशन जो कि गर्मियों के दौरान होता है करते हैं, जो उस क्लाइमेट में उन्हें सर्वाइव करने में उन्हें बचाने में मदद करता है। इस चीज से रिलेटेड फुल आर्टिकल आप लोग देख सकते हो। फैक्ट नंबर 18, शूज के पीछे जो ऐसे लूप्स होते हैं इसका नाम है पुल लूप्स, और ये शूज में दिया जाता है पुल करने के लिए। जब आप शूज को लगाते हो तब इसका यूज होता है, क्या आपको यह पता था? फैक्ट नंबर 17, जो यूरेनस प्लेनेट है ना, वो यूरेनस प्लेनेट अर्थ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब एक यूरेनस प्लेनेट में आप लोग 4 अर्थ को रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, याद है वो बचपन के दिन जब हम लोग नटराज और अप्सरा पेंसिल को लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे कि तेरे पास नटराज है मेरे पास अप्सरा है, मेरा वाला अच्छा है तेरा वाला गंदा है यह सब। लेकिन क्या आपको मालूम है जो नटराज और अप्सरा पेंसिल है ये दोनों सेम कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल PVT.LTD इस कंपनी से है। फैक्ट नंबर 15, इस इमेज को देखिए, यहाँ पर 3 महिलाओं को देखा जा सकता है लेकिन ये तीनों एक ही पॉट यानी घरे को पकड़ी हुई है। एक महिला अपने माथे के ऊपर इसे रख के ले जा रही है, एक अपने कंधे में और एक अपने हाथ से पकड़ती हुई इसे ले जा रही है। तो इस इमेज से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें समझ आता है सब लोग अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर रहे हैं अपने अंदाज में, तो कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस इमेज को, बहुत गहरी मैसेज दे रहा है ये इमेज। फैक्ट नंबर 14, आपने तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पीछे ऐसे 2 व्यक्ति को खड़े होते देखे होंगे, क्या आप जानते हो ये कौन होते हैं? इनको कहा जाता है ADD कैंप। ये पर्सनल असिस्टेंट यानी PA होते हैं, हायर रैंक वाले किसी पर्सन के, जैसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट के। ये लोग प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं। अगर कोई इस पद को पाना चाहता है तो उसको 5 से 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म्ड फोर्स का। इनका काम बेसिकली होता है प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कैलेंडर्स एंड शेड्यूल्स को प्रिपेयर करना, एडिशनल स्टाफ मेंबर्स को सुपरवाइज करना भी इनका काम होता है। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 5 ADC यानी ADD कैंप होते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है
कि आपने एक बड़ी जीत को हासिल किया है। हाँ, तुम ही देखो कैसे। जो तुम्हारा बर्थ का प्रोबेबिलिटी था वो था 1/400 trillion, मतलब इतने स्पर्म्स में से तुम विनर हुए थे, मतलब इतने स्पर्म्स में से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था और फर्टिलाइजेशन हुआ था। आज तुम दुनिया के सामने मौजूद हो इसी कारण से, क्योंकि तुम विजेता थे। तो हार मत मानो यार, इतना बड़ा जंग जीत लिए, दुनिया क्या चीज है तुम्हारे सामने। फैक्ट नंबर 12, जो लाउड म्यूजिक होता है ना, अगर म्यूजिक को ज्यादा लाउड कर दिया जाए तो इंसान ज्यादा पी लेता है। मतलब देखो, एक स्टडी में पाया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें लेस वॉल्यूम रखा गया था, और लेस वॉल्यूम रखने पे देखा गया था एक आदमी 14.5 मिनट में एक ड्रिंक को खाली करने में, उसी सेम वॉल्यूम का ड्रिंक को खाली करने में, उसे अगर हाई वॉल्यूम दिया जाए, म्यूजिक लाउड म्यूजिक दिया जाए, तो उसी क्वांटिटी को खाली करने में उसे लगता है 11.5 मिनट्स। इससे रिलेटेड आर्टिकल आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 11, ये एक लाइफ हैक है, इसे मैंने नाम दिया है बाउंस बैटरी थ्योरी। एक बैटरी लेना है आपको, अगर आपको किसी बैटरी को चेक करना है कि इसमें पावर मौजूद है या फिर ये पावर ख़त्म हो गया है, तो सिंपली आपको उसे बाउंस करना है। अगर ये ज़्यादा बाउंस होता है तो आपको समझ लेना है कि इसमें चार्ज कम है। फैक्ट नंबर 10, एक एलिफेंट का वजन एक ब्लू व्हेल का जीभ यानी टंग से भी ज़्यादा कम होता है, और हाईएस्ट तो जाए तो लगभग एक ब्लू व्हेल के टंग के बराबर होता है, क्योंकि एक ब्लू व्हेल का जो पूरा टोटल वेट होता है वो 180,000 किलो होता है केजी, और जो टंग होता है एक ब्लू व्हेल का वो होता है 2,700 केजी तक, जो कि एक एलिफेंट के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 9, कार्बन जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट नहीं होता यूनिवर्स में, कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट भी होता है अर्थ के सभी लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि सब में कार्बन मौजूद है, आप में भी और मेरे में भी। फैक्ट नंबर 8, जो आपका पिंकी फिंगर है ना, पिंकी फिंगर जो छोटा वाला पिंकी फिंगर है, अगर वो कट गया या फिर वो नहीं रहा तो आपका पूरे हाथ का 50% स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। एक छोटा सा पिंकी फिंगर में इतना ताकत होता है। फैक्ट नंबर 7, मान लीजिए किसी दिन आपको ज़्यादा नींद नहीं आया लेकिन आपको काम में जाना है या फिर पढ़ाई करना है, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि अपने दिमाग सोचता रहता है कि मैंने तो नींद पूरा नहीं हुआ तो मैं काम अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो उस समय आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि नहीं, मेरा पूरा नींद कम्प्लीट हो चुका है। ये एक ट्रिक है आपके दिमाग को समझाने का। फैक्ट नंबर 6, जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स है वो पूरे धरती का जितना भी पेड़ है, ट्रीज है, उससे भी ज़्यादा कम है, क्योंकि जो मिल्की वे गैलेक्सी है वहाँ पर 100 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद है, लेकिन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्री है वो है 3.04 trillions। फैक्ट नंबर 5, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी सॉन्ग का हमें थोड़ा बहुत याद है, या फिर सॉन्ग का लिरिक्स तो आता ही नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो हम होता है वो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो इससे भी आप अपना गाना को निकाल सकते हो। ये एक साइट को आप लोगों को खोलना पड़ेगा, मीडोमी, यहाँ पर आप लोगों को आकर ऐसा करके गाना गुनगुनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो सॉन्ग होगा वो डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा। फैक्ट नंबर 4, एक नेगेटिव थिंग को सप्रेस करने के लिए आपको 4 पॉजिटिव थिंग का आना ज़रूरी है। एक नेगेटिव थिंग इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव थिंग, मतलब ऐसे वैसे वाला इक्वल नहीं, मतलब एक नेगेटिव थिंग को सप्रेस करने के लिए 4 पॉजिटिव थिंग का आना ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 3, आप अपने आप को मार नहीं सकते हो अपना गला दबाकर, मतलब अपना सांस रोककर आप खुद को नहीं मार सकते हो, ट्राई करने में मत लग जाना। फैक्ट नंबर 2, जब हम लोग थोड़ा गर्म चाय पी लेते हैं तो जीभ जल जाता है, इसे ठीक करने के लिए आप शुगर खा सकते हो। शुगर आपके बर्न टंग को, आपके जो जला हुआ टंग को क्यू करता है, ठीक करता है, आपके जला हुए टंग को वो रिपेयर कर देता है। फैक्ट नंबर 1, लाइफ हैक, ये एक लाइफ हैक है आप लोगों के लिए। जो शूज़ होते हैं ना, शू, वो अगर गंदा स्मेल कर रहा है तो उन्हें एक पूरे रात के लिए, पूरे रात के लिए उसे फ्रिज के किसी भी सेक्शन में रख दीजिए। फ्रिज का ठंडा उस बैक्टीरिया को किल कर देगा,
और दूसरे दिन जब आप शूज़ को निकालोगे तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।